बड़ी ही विडंबना की बात है कि कसरावत की उपज कृषि मंडी के टोल कांटे के पास कोई एक अज्ञात शिशु को जीवित अवस्था में फेंक कर चला गया, जिसकी सूचना पत्रकार अनीश खान को मिलने पर वे मौके पर पहुंचे और उन्होंने जाकर देखा तो बच्चे की सांसें अभी तक चल रही थी। तत्काल कसरावत थाने को सूचित कर वार्ड की महिला एवं अनीश खान द्वारा उस बच्चे को शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद बच्चे को खरगोन रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर राकेश पाटीदार का कहना है कि बच्चा लगभग 2 घंटे पूर्व जन्मा होगा। डिलीवरी घर पर ही हुई है क्योंकि उसके नाड़े के ऊपर एक धागा बंधा हुआ है। देखो आप लेके आए कहाँ से लेके आए? मंडी गेट पे कसरावत है ना, गौला रोड पे जो मंडी है वहाँ से लेके आए। कहाँ पड़ा हुआ था ये? सब झाड़ी के पाने के आगे है ना, जो काटा लगा है हाँ उसके आगे सब झाड़ी में पड़ा। और कोई मिला नहीं? महिला मिली जिसका वोट डिलीवरी? कोई नहीं मिला, बस बच्चा पड़ा था। बकरी वाला छोरा छोरी ने देखा जब हम गए। हाँ सर, ये जो नवजात शिशु मिला है तो इन्हें यहाँ रखेंगे या खरगोन भेजेंगे? क्योंकि बच्चा का वजन करीब 1 किलो 200 ग्राम है और उसकी जो गर्भ की उम्र लगभग 7 से 8 माह के आसपास लग रही है, अतः उसका वजन कम होने की वजह से हमें उसे जिला चिकित्सालय SNC रेफर करना पड़ेगा। सर ये डिलीवरी कब तक की होगी, कितने घंटे का बच्चा होगा? डिलीवरी करीब करीब मान के चलो 2 घंटे से लगा के आसपास, 2 घंटे के भीतर की होगी क्योंकि बच्चे का शरीर गर्म है, हाथ पैर ठंडे लग रहे हैं और बच्चे की सांस वगैरह भी व्यवस्थित चल रही है और बच्चे के नाड़े पर धागा बंधा हुआ है, तो कहीं ना कहीं घर में डिलीवरी होने की संभावना है, जिसको कि बाहर अज्ञात जगह पर फेंक दिया गया है। अभी करीब 1 घंटा पहले मंडी परिसर में टोल कांटे के पास नवजात बच्चा एक कोई फेंक गया था बता रहे हैं वहाँ की महिलाएं, तो मेरे को जैसी खबर लगी, मैं भी कसरावत से पत्रकारिता करता हूँ, तो मैंने सबसे पहले बच्चे को देखा कि यार बच्चा थोड़ा जीवित है, तो इसको तत्काल हॉस्पिटल कसरावत के लेके जाए। मैंने सबसे पहले सूचना दी थाने से, फिर हॉस्पिटल में लाए और महिलाएं वार्ड की दो महिलाएं भी साथ में थी बेचारी, वो भी लेके आई हमारे साथ और बच्चा अभी स्वस्थ बता रहे हैं डॉक्टर साहब, उसका इलाज और आगे डॉक्टर साहब कह रहे हैं खरगोन भेजने का है रेफर। प्रथम उपचार के लिए खरगोन भेज रेफर कर रहे हैं उसको।